सर्कल्स लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। ए नंबर कौन सा है? 214। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बस ट्रायंगल एबीसी इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स बीडी एंड डीसी सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट Point of contact D or of the length 8 and 6 centimeters respectively. Find the length of the sides AB and AC. फिगर में यहाँ पे इसको थोड़ी छोटी बनाऊंगा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। आप लोग तो आराम से बड़ी फिगर बना लेना। A, B यहाँ पे राइट पे और C लेफ्ट पे है। D, this is 6 centimeters, 8 centimeters. E, और लेफ्ट में हमारे पास रहेगा F। फिर अब यहां से जो आपका ये OD है, OD रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ आपको 4 की बना, तो OE भी 4 हो जाएगा और OF भी हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अगर C से D, CD आपके पास 6 है, तो C से F ये भी 6 हो जाएगा। B से D 8 है, तो B से E ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, जिससे CF आपका 6 हो जाएगा। B से लेकर E तक ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर मेरे को पूरा AC निकालना है, पूरा AB निकालना है, तो इसके अंदर AF और AE रह गया। अब A से tangent बनाए तो AF और AE दोनों की जो length होगी वो same हो जाएगी, जिसको हम लोग x represent कर लेंगे। अब ये निकाले कैसे हम दो इन लोगों को? अब इसको निकालने के लिए आपको स्पेसिफिकली एक ही मेथड है, दूसरे और मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको OC, OB और OA तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, AOB का एरिया लोगे, फिर बीओ सी का एरिया, फिर एओ सी का एरिया। अब जब एओ बी का एरिया लोगे तो यहाँ पे ओई ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? बिकॉज रेडियस टैंजेंट परपेंडिकुलर, ओडी बी सी पर परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ओएफ ए सी पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टैंजेंट। तो पहले एओ बी का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस है AB, इंटू हाइट OE, बेस है आपके पास x प्लस 8 इंटू हाइट है 4, तो अगर ट्वाइस ऑफ x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 16, फिर लीजिए BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस है BC विच इज इक्वल टू 14 इंटू हाइट 4, जिससे आपके पास जो एरिया है वो 28 आ जाएगा। हाँ, ये मैंने लेट करा हुआ है कि AF AE के इक्वल होगा, क्योंकि A से हमने टैंजेंट बनाया, लेट नहीं करा। A से जो टैंजेंट होंगे उनकी लेंथ सेम ही रहती है ऊपर। अब यहाँ पे AOC का एरिया That would be half of base. Base आपके पास x plus 6 है और height हो जाएगा OF which is equal to 4 twice of x plus 6 is equal to 2x plus 12. तो तीनों triangles का आपने area निकाल लिया, AOB, BOC plus AOC, तीनों को plus कर देंगे तो पूरे triangle का area हो जाएगा, that is ABC. Area of triangle ABC is equal to area of triangle AOB plus BOC plus area of triangle AOC. ABC का area 2x plus 16 plus 12 plus 2x plus 12. This is 4x plus 56. तो पूरा जो ट्रायंगल एबीसी है उसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x plus 56 आ जाएगा। लिखना है क्वेश्चन का आंसर। अब हम पूरे का एरिया निकल गया और हमें निकालना क्या था, x।
अब x कैसे निकालें, क्योंकि x आएगा तभी तो ए भी आएगा, x आएगा तो क्या आएगा, AC आएगा। अब ए बी सी जो आपके पूरा ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ए बी सी, ये बी सी कितना है 14, ए सी की वैल्यू ए बी कितना आ रहा है x प्लस 8, और ए सी कितना आपके पास x प्लस 6 आ रहा है। तो हम लोग इस एबीसी का ट्रायंगल का एरिया हेरॉन फार्मूला से निकाल लेंगे, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था। सबसे पहले निकालेंगे एस, जिसको बोलते हैं सेमी पेरिमीटर, दैट इज सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 2x प्लस 28 डिवाइड बाय 2, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 14, क्योंकि फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय, इसको बोलते हैं सेमी पेरिमीटर, 9th में था हेरॉन फार्मूला, सेमी पेरिमीटर, पेरिमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, सेमी मतलब हाफ, तो इसलिए 2 से डिवाइड करना। फिर इसके बाद एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला s * s माइनस a s माइनस b मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। एस इज एक्स प्लस 14 माइनस ए, पहली वाली साइड एक्स प्लस 8, दूसरी 14 और तीसरी एक्स प्लस 6, माइनस एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 14 माइनस 14, थर्ड साइड उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14। तो हेरॉन फॉर्मूला से एरिया है एबीसी का स्क्वायर रूट ऑफ 48x इनटू x प्लस 14, और तीनों ट्रायंगल सम निकाल के आया था आपके पास 4x प्लस 56। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों आपस में क्या है, एरिया है, किसका एरिया है, एबीसी का, तो आपस में दोनों को इक्वेट कर दो, दिस 4x प्लस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48x इनटू x प्लस 14। पहले यहां से 4 कॉमन ले लो और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट पे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इनटू x प्लस 14, एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसिल, 16 वन द 16 थ्री द, सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, 14 इज इक्वल टू 2x, जिससे x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर x अगर आपके पास 7 है तो AB 7 प्लस 8 15 और AC 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर है। नोट कर लो इस पूरे का, फिर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले क्वेश्चन में आपको एबीसी एक ट्रायंगल गिवन था, वो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल टू द सेंटर हो, आपको ये पार्ट 6 था ये 8 था, अगर ये 8 था तो ये भी 8 हो जाएगा, इधर 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा, हमें पूरा एबी निकालना है। हां जी, ये लिखना नहीं, वो नहीं लिखना है, बट स्पेस का मतलब मैंने लिखा है, आपने सब लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा CD is equal to CF, length of tangents drawn from external point to the circle are equal, BD equal to BE, length of tangents drawn from external point to circle are equal, फिर AF is equal to AE, same reason. अब मैंने साथ में OB, OC और OA को तीनों को join कर दिया, जिससे पूरा triangle तीन parts में divide हो रहा है, AOB, फिर एक और AB, OC और फिर एक हो जाएगा AOC.
ए ओ बी का जब एरियल होगा दैट इज हाफ इनटू बेस, बेस हो जाएगा ए बी, हाइट हो जाएगी आपके पास ओई, बी ओ सी का एरियल होगे हाफ इनटू बेस, बेस इज बी सी, हाइट कितना हो जाएगा ओडी, फिर ए ओ सी का एरियल होगा तो हाफ इनटू बेस, बेस ए सी और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे ओ एफ, तीनों का एरिया निकाल के जब एड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x + 56। फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला, हीरोन्स फॉर्मूला पहले निकालते हैं, एस एस होता है सेमी पेरिमीटर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2 जो कि आया x + 14। फिर एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी, जिससे एरिया आता है आपका फॉर रूट ऑफ 48x इनटू x + 14। अब ये एरिया और ये एरिया दोनों के नाम उसमें इक्वल होंगे, जिसकी वजह से मैंने इनको इक्वल रखा, यहां से 4 कॉमन लिया, राइट पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16 x + 14 होल स्क्वायर, 48x * x + 14 x + 14 कैंसिल, 16 1 जा 16 3 जा 48, 2x + 14 इज इक्वल टू 3x, जिससे 2x = 14 और x आपके पास 7 आ जाएगा, क्लियर है, इससे आप AB और AC की वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फिगर ड्रॉ करिए खुद इसकी, एक्सटर्नल पॉइंट को P ले लेना, सर्कल में जो पॉइंट होगा उसको A ले लेना और सेंटर आपका हो रहेगा, तो दैट सबकी जो फिगर बनेगी वो सेम बने, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, अच्छा फ्रॉम अ पॉइंट A ऑलरेडी बोला हुआ, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं ऊपर पी ले लेता हूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए 5 सेंटीमीटर और ए पी आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओ पी परपेंडिकुलर होगा तो जिसकी वजह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, तो 4 5 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ओपी आपके पास चाहिए, जिनका ओपी नहीं आता ट्रिपलेट्स का ना हो वो कैसे करेगा, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू ओए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो आपके पास कितनी है, ए बी है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 हो जाएगा, अब ये जो कॉर्ड बड़े सर्कल की है छोटे सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा छोटे वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए जिसका रेडियस 3 है उसके लिए ए बी टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ जिससे ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऐसी राइट पे भी ज्वाइन कर दूंगा, ये 3 है ये 5 तो बी एम भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, जिसको कंबाइन करके ए बी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिससे ए बी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस इज 4 इन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस क्या बोल रहे सर, द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, नहीं बेटा ठीक है ये देखो आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बोल रहा है, 6 बोल रहा है 7 बोल रहा है, 6 वाला बोल रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट
ए एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर, ठीक तो है ए, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 5 है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट ब्ला 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 इज 4, इसलिए इज 4, यू ए भी आपका 4 रहेगा। और सिंपल सी बात है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर यहाँ पे 90 बदल सकती है, सबसे बड़ी साइड कहाँ पे आएगी, हाइपोटेनस भी आएगी ना, तो ये 4 और ये 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है पार्थ, ठीक है वो जैसे कुछ बोलने लगे थे ना सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ पार्थ अश्मीत सिंह, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, फिफ्थ वाले बोल रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका स्क्वायर कोई भी आपका टेंजेंट गिवन है, इस टेंजेंट पे आप कोई भी परपेंडिकुलर अगर बनाते हो तो वो कहां से पास होगा, आपका सेंटर से पास होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तस्वीर जी कैसे करेंगे बेटा, 90 है वो कह रहा है प्रूफ करोगे सेंटर से ही पास होगा, जबरीत कह रही है सर लेट एक्स बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर उसके बाद सर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट, हाँ ये तो पता ही है लेकिन करें कैसे, हाँ बेटा बोलो वंश, सर हम एक लाइन और उसको बना देंगे जो एंड को इंटरसेक्ट कर जाए, ओ डैश बना लेंगे जैसे, हाँ ठीक है इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है फिर बाइसेक्ट कर दे, ये सर जो वो भी परपेंडिकुलर हो गए उसको ए बी को, आप क्या करोगे हम एज्यूम कर लेते हैं let us assume that o dash इसको o dash रख लेते हैं और एक और पॉइंट ले लेते हैं o, ऐसे ले लेते हैं कि सेंट्रल सर्कल तो o है और ये कहां से पास हो रहा है, o dash से पास हो रहा है, let us assume that o dash is सेंट्रल ऑफ सर्कल, नहीं o is o, o is एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे सिंस ओ इज व्हाट सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इज टेंजेंट, तो ओ से ओ एम को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा इसका मतलब हो गया कि ओ एम क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट क्वेश्चन में गिवन है कि O dash M जो है वो परपेंडिकुलर हमारा किसके AB के, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट and a line is the smallest distance, एक point और एक line में जो perpendicular distance होता है वो क्या होगा, shortest distance होगा, which implies this O और O dash must coincide with O, तभी तो ये क्या होगा दोनों के दोनों shortest distance हो जाएंगे, which implies O dash must coincide with O, तो O dash को क्या करना पड़ेगा, O dash O पे coincide करना पड़ेगा, तभी तो O dash M perpendicular हो सकेगा, here it is which implies perpendicular to a to the tangent always
passes through the center. Always passes through the center. Note कर लो इसको. एक पीडीएफ आयरन ने ग्रुप पे भेजा है, उसको ओपन करो. पेज नंबर 14 निकालो. आयरन ने असाइनमेंट फॉरवर्ड करा है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द असाइनमेंट. एक मिनट, 15 है, 14, 15 के बॉटम पे यहाँ पे बोल रहे हैं आप, ट्रायंगल पी की बार सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस आर such that angle PQR is 90 degree. PQR angle Q 90 है, PQ 3, QR 4. PQ 3, QR 4 central circle O. अब अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस निकालना है. ये रेडियस आपके पास आर गिवन है, तो यहाँ पे आर कैसे निकालोगे? पिछले सर 5 सेंटीमीटर, इस 5 कैसे आएगा? हाँ भाई, हाँ बोलो बेटा, बोलो है ना. पाइथागोरस ट्रेपेज़ से तो निकाल दो ये पीक का फाइव. वो मैं उसको और दूसरा वो पहले हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल लेंगे. हाँ. उसके बाद उसके परपेंडिकुलर से इक्वलाइज करके तो कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा सर? नहीं क्यों सर, बताओ, सोचो भाई. पीआर जो है वो रेडियस नहीं होगा. ठीक बात है, आपका रेडियस तो सिर्फ इसी पॉइंट तक रहेगा. तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 करा था, सेम उसी मैनर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ज्वाइन कर लो इसको डॉटेड. हम लोग एरिया एक एक करके निकालेंगे. यहां पे ले लेते हैं एम एन और यहां पे ले लेते हैं हम टी. तो पहले आप पी ओ आर ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर आर ओ क्यू का, और एक तरफ निकालोगे आप पी ओ क्यू का. पहले एरिया निकालेंगे पी ओ आर, हाफ इंटू बेस 5 है, हाइट इज रेडियस जो कि आपके पास आ जाएगा 5 आर बाय 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 2 आर. और इधर पी ओ क्यू का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3R by 2. तीनों के एरिया को ऐड करो. PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POR प्लस QOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ. ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस, बेस 4 है और हाइट यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 90 है वो गिवन है. तो PQR का एरिया आ जाएगा इससे. POR की वैल्यू 5R by 2 प्लस 2R प्लस 3R by 2 6 5R प्लस 4R प्लस 3R 6 × 2 = 12 = 12R. रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. चेक करो ये आर सबका, ठीक है, करो इसको सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 3
इन फिगर अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन क्या बनी है फिगर ये क्वाड्रेंट एबीसीडी एंगल बी 90 है फिगर भी ढंग से नहीं बनी हुई फिगर ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 3 की इस टाइप का सर फिगर गिवन है ए बी अज्यूम कर लेते हैं कि राइट साइड पर है सी लेफ्ट पर है डी नीचे की तरफ है एक तरफ हमारे पास एसी पर आर है सीडी पर एस ले लेते हैं आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बी 90 है फर्दर एडी इज इक्वल टू 23 ए डी अगर एडी 23 है तो राइट साइड पे डी रहेगा और बॉटम पे बी हो जाएगा एडी 23 इस पूरे क्वेश्चन में लेबलिंग गलत हुई हुई है देख लो यहाँ पे ए होगा यहाँ बी यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लेबलिंग गलत हुई हुई है बी लेफ्ट पे लेना सी बॉटम पे वहां पे राइट पे डी आएगा ए डी 23 है फर्दर ए बी 29 डी एस इज 5 डी एस अब डी एस कहां लें यही प्रॉब्लम हो गई है तो एक काम करते हैं डीएस की जगह ए आर को 5 ले लो ए आर को 5 ले लो इधर पी है उधर क्यू ले लो ए आर को 5 अब देखो अगर ए आर 5 है तो ए क्यू भी 5 हो जाएगा ये पूरा 23 आ रहा है अगर ये पूरा 23 है 5 सबट्रैक्ट कर दूंगा तो 18 ये भी कितना हो जाएगा 18 ये पूरा कितना हमारा 29 में से 5 का कितना हो जाएगा 20 ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा निकालना क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल सारे के सारे हमारे रेडियस रहेंगे अब अगर मैं इधर सॉल्व करता हूं तो यहां पे 90 आएगा यहां पे भी 90 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी कितना हो जाएगा 90 दो साइड 24 दे भी कितना हो जाएगा हमारा 24 आ जाएगा राइट पे अगर अप्लाई करता हूं तो इधर रेडियस 5 आ जाएगा तो मतलब क्वेश्चन में कहीं एरर है जिसको इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग क्वेश्चन में ना डी एस बोल रहा था ये फिगर ही गलत गिवन है तो यहां पे ले लेता हूं मैं कहीं एस ये गलत है कि अगर फिगर उल्टी सीधी हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है पी क्यू एस और इधर आ अब सॉल्व कर देखते हैं अगर ये 5 था हमारे पास तो ये भी 5 हो जाएगा ये 18 आ जाएगा दिस इज आल्सो 18 दिस इज 11 एंड दिस विल अगेन बी 11 तो फिर दो अदर प्रॉब्लम है क्वेश्चन में एरर है क्वेश्चन में एरर आ जाएगा आर इसलिए हो जाएगा यहां पे यहां 90 से आने पर ये रेडियस होगा ये टेंजेंट हो जाएगा इसलिए 90 आ रहा था बेटा वो सो देयर इज सम एरर इन दिस क्वेश्चन अब डी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एन आइसोस्टीस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ एबी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू 12 एंड बीसी इज इक्वल टू 10 फाइंड द रेडियस सेम है ये भी ए बी इज इक्वल टू ए सी सर्कल है सेंटर में
ए बी पूरा का पूरा 12 है, ए सी भी आपका 12 है, और बी सी की वैल्यू 10 गिवन है। हाँ बेटा सर्कल में सर्कल करोगे तो बनेगा, ये बनेगा, ये 12, ये 12 और ये 10। रेडियस निकाल ले, सर्कमस्क्राइब है या इंस्क्राइब है? दिस इज इंस्क्राइब। इंस्क्राइब है तो नीचे वाली फिगर बनेगी, दो साइड 12 है और एक साइड 10 है। ऊपर ए बी सी 12 12 10, सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो रेडियस, यहाँ पे परपेंडिकुलर, दिस इज रेडियस, रेडियस रेडियस होगा, रेडियस नहीं होगा ना। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला पार्ट रेडियस है, ये वाला पार्ट भी रेडियस है, ये वाला पार्ट भी रेडियस है। तीन साइड गिवन है हमें, तीन साइड गिवन है, तो एबीसी का एरिया हेरॉन फार्मूला से पहले एओसी का एरिया, एओसी का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है, जैसे अभी तो पूछ रहा हूं मैं भी, ऐसे निकालू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? ले ले इसको परपेंडिकुलर नहीं होगा ये, क्यों होगा? है हाँ, टेंजेंट का इसमें तो कोण पे तो जा रहा था, कोण पे तो 90 रहेगा। हाँ तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, हमने ये भी परपेंडिकुलर बनाया, इधर भी परपेंडिकुलर बनाया और इधर भी परपेंडिकुलर बनाने हैं। ये एक तरफ ले लो M N Q, तो इधर A और C का जब एरिया लोगे तो हाफ इनटू बेस, बेस आपके पास 12 है और ये आपके पास आ जाएगा O N। लेकिन क्या इससे सॉल्व होगा? जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इससे तो हाफ इनटू A और C का एरिया आएगा, उसमें ये आ जाएगा, फिर इसमें ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, बट रेडियस कैसे निकालूंगा? बट रेडियस कैसे करेंगे? अगर ओ एन आ जाएगा, राइट, ओ एन और ओ एम आ जाएगा, ठीक है, फिर तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होके नहीं आ जाएंगे? आ जाएगा, वही तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले ओ एन ओ एम ओ एन सबकी वैल्यू निकाल लोगे, सेंटर से परपेंडिकुलर निकालूंगा तो कॉर्ड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, तो ये 5 5 में बाइसेक्ट हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा 6 6 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके ओ एम होगा, इधर ये ओ एन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ओ सी की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आपको क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 6 ओ एन, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा, फाइंड सम अदर मेथड, इससे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। मार्क्स लिखा कितने मार्क्स का दिया, नहीं ना, और मेथड एक तरफ ए बी सी, रेडियस निकाले तो कैसे निकालेंगे, ये पार्ट आर हो जाएगा, इस पे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वो भी नहीं आ जाएगा, एरिया ऑफ इस वाले क्वेश्चन को ना आइसोसेलीज ट्रायंगल के फॉर्मूला से ही कर पाओगे, कोई पॉसिबल वे आउट नहीं है। एरिया ऑफ आइसोसेलीज ट्रायंगल कितना होगा, इसे रिज्यूम करके चलेंगे कि जो ओ है वो एकदम सेंटर में लाया करेगा, जिससे बेस इधर का, इधर का बेस और इधर का बेस तीनों क्या करेगा, सेम डिस्टेंस पे लाए करेगा, तो डिस्टेंस को एक्सलेट कर लो, क्योंकि और कोई वे आउट है नहीं इसको सॉल्व करने का,
और पूरे वाले जो ट्रायंगल का एरिया एबीसी का उसको हीरोन फॉर्मूला से निकाल लो, तो हो जाएगा 12 + 12 + 10 डिवाइड बाय 2, 24 + 10 34/2 दैट इज 17। अभी नोट मत करो यार, देखो इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। This 17 into minus 12, this is 5 into 5 into 7. 17 into 7, 119 आ जाएगा। सर हमारे टीचर ने बोला है कि सर्कल्स एनसीईआरटी से ही आएंगे। अरे अगर आ गया तो स्कूल के त्रिभुज भी तो है, ये एरिया आ जाएगा। और अब तीन पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इधर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस एक तरफ बीसी है, हाइट एच एक तरफ एसी है और एक तरफ एबी है, तो ये 10/2 दिस इज 5h, 6h, 6h कितना हो जाएगा 12 + 5 17h हो जाएगा। और इस तरफ क्या है एरिया 5√119 है, 17h इज इक्वल टू 5√119, इसको मैं 25 × 119 भी लिख सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 17 × 17 × h² 25 × 7 = 17 17 × 17 17 17 कैंसिल 17 17 तो कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा 17 × 17 पहले तो ही करा था 17 × 17 और यह आ जाएगा 25 × 7 / 17 जैसे हाइट डेसिमल में आएगी, हाइट डेसिमल में आएगी और उसके बाद फिर ये पार्ट 5 फिर आएगा। और ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का, यही है 25 × 7 करना कितना होगा 175/17 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 10.3 और 10.3 का रूट लोगे 10.3 का रूट विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.2, इसका हाइट जो आ जाएगी 3.2 आ जाएगी, दिस 3.2 दिस रेडियस आ गया आपके पास 5 है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.2² + 5² = r² 10.24 + 25 = r² 35.24 = r² which is r is equal to 5.9 centimeters approximately, तो जो रेडियस आ जाएगा वो 5.9 आ जाएगा। नोट कर लो इसको, त्रिभुज में हो सकता है अगर आ जाए बट सीबीएसई में तो नहीं आएगा ये।